हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत कर अगेन फ्रॉम कोलकाता। तो आज मैं जो वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ सीखाने के लिए, जैसे कि फ्रेंड ये फ्री फैशन डिजाइनिंग कोर्स के बारे में मैं डिस्कस करूँगा और ये पार्ट 13 होगा और इसमें मैंने जितना यानी कि बेसिक के बारे में मैं डिस्कस करूँगा, क्या क्या मैंने आप लोगों को करवाया है, जिस पैटर्न कटिंग स्टिचिंग ड्राफ्टिंग, तो इसी तरह क्या क्या मैंने करवाया है और थोड़ा सा अगर कुछ मिसिंग भी हो जाए तो इस वीडियो देखकर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा और बेसिक में क्या क्या था वो सारे डिटेल्स में आज इस वीडियो में बता रहा हूँ। और जो लोग ऑनलाइन में फैशन डिजाइनिंग कोर्स सीख रहे हैं तो आप लोगों को ये वीडियो आखिर तक देखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो पार्ट वन इसका नाम दिया है जैसे कि बेसिक। इसमें एट फर्स्ट आपको ब्लाउज और बेसिक ऑफ प्रिंसेस कट ब्लाउज और जैसे कि सिंगल कटोरी, एलिट कट, प्लेन कट, चोली कट, ठीक है, तो इसी तरह बेसिक है और उसके साथ हाई नेक ब्लाउज है और उसके बाद जो जो है इस जगह में जो ब्लाउज को कॉन्वर्ट करना, ठीक है, तो कुछ चीज़ें जैसे होता है जैसे कि कॉन्वर्ट करने के मतलब है फ्रेंड, जैसे कि हमारे पास जो रेडीमेड वाला जो पैटर्न है उसे लेकर आप कॉन्वर्ट करके आप कोई भी ऑर्डर, यानी कि आप दुकान में कुछ ऑर्डर ले रहे हैं वो उसको जैसे कि पैटर्न ना कटिंग करके इस पैटर्न से ही थोड़ा सा चेंजिंग करके आप लोग कर सकते हो उस पैटर्न में, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसका नाम दिया है जैसे कि कॉन्वर्ट करना है। और ब्लाउज सीक्रेट फार्मूला आप लोगों को करनी है, जितना ब्लाउज सीक्रेट फार्मूला मैंने बहुत अलग अलग बताया, जैसे कि पहले बताया था जो कंप्यूटर में बताया और स्क्रीन दिखाकर और दूसरी बार मैंने एक 13 पेज शायद होगा, तो उसी तरह मैंने एक कोर्स अपलोड किया था और लास्ट में एक रिक्वेस्ट आया था जो अलग अलग मैंने किया है, जो 32, 34, 36 इसी तरह मैंने अलग अलग किया है, मगर जो मिडिल में जो मैंने दिया है जो ब्लाउज सीक्रेट फार्मूला कट कर जो 13 पेज है शायद वो बहुत ही पावरफुल है, वो आपको देखना है और उसी के साथ ये जुड़ा हुआ है। जैसे कि लास्ट में जो पार्ट दिया है मैंने कुछ उसमें जैसे कि आर्म होल का कार और भी कुछ बहुत सीक्रेट है वो मैंने पार्ट टू में रखा है, तो इसलिए फ्रेंड जो प्ले लिस्ट में दिया है फैशन सीक्रेट फार्मूला का तो उसमें आपको सारे चीज़ आपको देखनी है तो क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद फ्रेंड जैसे कि है सैंपल से कॉपी करना, किसी ने अगर आपको सैंपल दी मानिए आपको कोई ब्लाउज वगैरह दिया है आपको तो उसी से कॉपी करना है, तो मैंने वो दिखा दिया है। और एक है जैसे कि मेजरमेंट लेकर बनाना, ठीक है, ये दोनों मैंने रखा है उसमें। और उसके बाद मैंने पैडेड ब्लाउज रखा है, ठीक है, पैडेड ब्लाउज और वैरायटी टाइप ऑफ जो डिज़ाइन आप लोग देख रहे हैं, तो डिज़ाइन बोले तो फ्रेंड आप लोग हमारा ब्लाउज सीरीज नंबर 1, 2, 3 तो इसी तरह मैंने तीनों कैटेगरी आप लोगों को दिया है, उसमें बहुत सारा डिज़ाइन मैंने सीखा है आप लोगों को और उसका जैसे कि ड्राफ्टिंग पैटर्न स्टिचिंग सारे दिखाए थे। और एक है फ्रेंड जैसे कि आप देखेंगे शायद उसका कैटेगरी है रिक्वेस्ट वीडियो है, ठीक है, व्यूअर्स रिक्वेस्ट वीडियो है, तो इसी तरह कोई कैटेगरी है तो उसके अंदर क्या होता है व्हाट्सएप में जितना रिक्वेस्ट आता है तो सारे रिक्वेस्ट फुलफिल करके उसके अंदर दे देता हूँ। और मैं जैसे कि दूसरों का वीडियो सिर्फ ड्राफ्टिंग आप लोगों को दिखाता हूँ तो आप उसमें भी जाकर आप बहुत नए नए डिज़ाइन आप लोग सीख सकते हो, तो ठीक है, तो ये था ब्लाउज का कोर्स है। और उसके बाद फ्रेंड जैसे कि कुर्ती सिंपली से मैंने एक दिखा दिया है, सलवार कमीज चूड़ी पैंट मैंने दिखा दिया है और विथ फार्मूला के साथ। और उसके बाद जैसे कि पेटीकोट का वैरायटी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, हाउस कोट का वैरायटी दिखा दिया है, रोमपर का वैरायटी दिखा दिया है, स्विम कॉस्ट्यूम का वैरायटी दिखा दिया है, तो स्विम कॉस्ट्यूम का फ्रेंड मैंने एक दिखा है आप लोगों को मगर करने के बाद मैंने अलग अलग तरीके आप लोगों को बता दिया है। और आगे जाके अगर हो सके तो जो जो मैंने बेसिक में दिखा रहा हूँ उसका वेरिएशन निकल कर मैं आप लोगों को दे दूंगा मगर वो एडवांस लेवल का होगा, ठीक है। और बेबी फ्रॉक मैंने 4 टाइप्स शायद आप लोगों को बेबी फ्रॉक दिखा दिया है। और एडवांस लेवल में जो हम एडल्ट लोगों को जो फ्रॉक जो हॉट फ्रॉक होता है वो मैं दिखा दूंगा। और इसके बाद शार्ट है, शार्ट भी मैंने दिखा दिया है आप लोगों को और आगे जाके शार्ट रहेगा बहुत एडवांस लेवल का रहेगा। लहंगा मैंने दिखा दिया है आप लोगों को,
अनारकली और एक इसके बाद फ्रेंड जैसे कि कॉलर, कॉलर क्या करनी है, जैसे कि वैरायटी टाइप का कॉलर मैंने आप लोगों को दिखा दिया है वो आप लोगों को करनी है। और जैसे कि ज़्यादा कॉलर इसमें नहीं दिया है तो एडवांस में वो कॉलर रहेगा और एडवांस लेवल का भी कोर्स जैसे कि मैंने 1, 2, 3, 4 करके अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो इसी तरह करूँगा। और जैसे कि आज मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो इसमें क्या है जो जितना बेसिक का कोर्स है वो सारे इस कोर्स में आप लोगों को जैसे कि पूरा मिल जाएगा, तो इसी तरह एडवांस लेवल का वो मिल जाएगा। तो आप सोचिए जैसे कि इसी तरह अगर सारे कोर्स और साथ ही साथ वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन अगर मिल जाए तो कितना आसान हो कोर्स करने में, ठीक है। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ फ्रेंड, हमारा चैनल में यानी कि ड्राफ्टिंग कटिंग स्टिचिंग, स्टिचिंग में तो नहीं रहेगा ड्राफ्टिंग पैटर्न, तो इसका मैं एक बुक निकल रहा हूँ फ्रेंड, जैसे कि तो मशीन के बारे में आप लोगों को बहुत कुछ जानना है, जैसे कि अबाउट द मशीन यानी कि मशीन को जैसे कि हम चलाने के बाद जो जिसमें हाथ रखकर हम घुमाते हैं और जो टेंशन वो यानी कि हमारा धागा को अगर नीचे गीट ऊपर गीट होता है तो किसे देकर ठीक करना होता है, फुटर डॉग किसे कहते हैं, नीडल रॉड, तो इसी तरह आप लोगों को बहुत कुछ जानना होता है। तो इसलिए मैंने वो एक वीडियो भी अपलोड किया है आप लोगों के लिए, और साथ ही साथ जैसे कि मशीन रिपेयर कैसे करना है इसके भी बहुत वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप देखिए। और एडवांस लेवल पर अगर हो सके तो इसके बारे में यानी कि और जो मशीन होता है जो पीको मशीन होता है तो उस मशीन का भी मैंने वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और एक है फ्रेंड जैसे कि नेक डिज़ाइन इसमें है, ठीक है, नेक का भी बहुत सारा वैरायटी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है और ड्राइंग भी शायद आप लोगों के दिखा दिया है, तो वो आप लोगों को करनी है। और उसके बाद जो एक बहुत ही अहम वीडियो है वो है फ्रेंड फिटिंग्स, तो फिटिंग्स के प्रॉब्लम के भी मैंने एक वीडियो एक कैटेगरी बनाया है, उसमें जैसे कि शोल्डर का प्रॉब्लम, आर्म होल का प्रॉब्लम, टास्क पॉइंट बोलिए, क्रॉस पॉइंट बोलिए, वो वैरायटी प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर मैंने वो कैटेगरी बनाया है। मैंने जब भी कोई रिक्वेस्ट आया है अलग अलग करके तो उसमें मैंने डाल दिया है, ठीक है। तो सारे फिटिंग्स का जो प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन निकल के उसमें रखा है। और एक है फ्रेंड जैसे कि हाउ टू क्रिएट डिज़ाइन हिमसेल्फ, वो उसके लिए भी मैंने एक अलग कैटेगरी बनाया है, वो भी आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। तो ये था हमारा बेसिक है, ठीक है। तो जिस तरीके से मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ शायद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसके अलावा भी हमारा चैनल में और भी बहुत वीडियो है, और जिस तरीके से मैं आप लोगों को अपलोड कर रहा हूँ जैसे ऐसा होता है मैं कॉलर का, तो कॉलर का वीडियो और कॉलर का कोई डिज़ाइन दिखा रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ हमेशा वो कैटेगरी में ही डाल देता हूँ। यानी कि देखिए हमारे इस आपको ये बेसिक के अंदर मैंने कॉलर का एक वीडियो सॉरी कॉलर का एक कैटेगरी मैंने रखा है, तो मैंने क्या करता हूँ हमेशा कोई भी कॉलर का अगर डिज़ाइन में दिखाता तो कॉलर के अंदर डाल देता। तो आप लोगों को क्या करना है चेक करना है, और जो हमेशा यानी कि नया नया वीडियो अपलोड करने के आप मानिए जैसे कि लहंगा का मैंने कुछ वीडियो अपलोड करूँगा तो क्या करूँगा मैं जो बेसिक में जो आप लोगों को बोला था जो प्लेलिस्ट उसके अंदर ही रहेगा। तो इसके लिए फ्रेंड आप लोगों को हमारा चैनल तो सब्सक्राइब आप लोगों ने ज़रूर किया है, तो साथ ही साथ जो बेल वाला जो बटन है उसे क्लिक कर दीजिए। तो बेल में क्लिक करने से क्या होगा हम जब भी यानी कि इंस्टेंट होता है हम कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके मोबाइल हो और जो कंप्यूटर जो यूट्यूब के अंदर वो ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन चले जाता है, इंस्टेंटली चले जाता है। और बेल बटन क्लिक ना करने से क्या होता है हमारा अपलोड तो करता है मगर वो इंस्टेंट आप लोगों के पास नहीं जाता है। तो इसलिए जो फैशन डिज़ाइन जो लोग सीख रहे हैं तो अगर कुछ नया मैं अपलोड दे दूँ यानी कि कुछ नया अपडेट भी दे दूँ तो आप लोगों को इंस्टेंट मिलता रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में और बोलने के लिए कुछ भी नहीं रहा है फ्रेंड, जो लोग अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब ना किया है आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को क्लिक कर दीजिए। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है और इसके बाद मैं आप लोगों को एडवांस लेवल में सिखाऊंगा। और आप देखिएगा जैसे कि जो तरीका मैं जो टेक्निक से मैं आप लोगों को ऑनलाइन से सिखा रहा हूँ तो आप लोगों को कुछ भी मिसिंग नहीं होगा, यानी कि कोई भी ऐसा गारमेंट्स नहीं है जो आप लोग
उसका ड्राफ्टिंग पैटर्न नहीं जान पाएंगे। ठीक है, मैं सारे डिटेल्स दे दूंगा और उसके बाद जो ये खत्म होने के बाद मैं क्या करूंगा, आप लोगों को पोर्टफोलियो और जो मूड बोर्ड होता है फ्रेंड, और कैसे हम एक फैशन डिजाइनर जो पोर्टफोलियो तैयार करते हैं उसे कैसे हम तैयार करते हैं, उसके लिए क्या क्या लॉजिक होना चाहिए, और जैसे कि इलस्ट्रेशन मैंने स्टार्ट कर दिया है तो इलस्ट्रेशन कैसे करना है उसके लिए आप लोगों को बेसिक क्या क्या जानना है। साथ ही साथ और फिर एक बात मैं बता दूं, जैसे कि कल एक वीडियो मैंने अपलोड किया है जो इलस्ट्रेशन तो मैंने स्टार्ट कर दिया है जो पेंसिल शेडिंग से दिखा आप लोगों, तो बहुत लोगों बोला सर ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, तो ऐसा नहीं बोलना है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है मुश्किल मगर उसका जो बेसिक आप लोगों को बहुत आसानी से पता चल जाएगा, जैसे कि हेड से लेकर जितना मेजरमेंट होता है और जो एनाटॉमी का अलग अलग ड्राइंग होता है, जैसे कि हम आँखों का ड्राइंग करते हैं, नोज का करते हैं, लिप का करते हैं, पूरा फेस का करते हैं, तो इसी तरह सिखाने का टेक्निक है, तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगा, आप इसी से इजीली आप कोई भी चीज़ हमारा चैनल से आप लोग सीख सकते हैं और बहुत ही पावरफुल तरीका से और प्रोफेशनली। ठीक है, तो आज के लिए इतना सही था फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि एंड गुड नाइट।